तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फोनी अब महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी 8 बजे से 11 बजे के बीच ये ओडिशा के तट से टकरा सकता है और तबाही का मंजर कैसा होगा, इससे निपटने के पूरे इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। अलर्ट पर वहां पर एनडीआरएफ को भी लगाया गया है, साथ ही वहां पर जो लोकल प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। निवृत्ति, आपके पास मैं आऊंगी, आप जानिए जरा, आप उनसे बातचीत करिए जरा, आप पूछिए 40 किलोमीटर दूर बचा है, क्या अभी उसकी स्पीड है और किस तरह की आशंका फिलहाल इसे लेकर जताई जा रही है। जी देखिए, जिस तरह की बात हुई है हमारे मौसम वैज्ञानिकों से, उनका ये कहना है कि 40 किलोमीटर को कवर करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लेता है ये साइक्लोन। लेकिन हमारे साथ इस वक्त चरण सिंह जी मौजूद हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कह रहे थे कितना किलोमीटर की दूरी पर है, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जब हम दूरी की बात करते हैं तो जो साइक्लोन का सेंटर होता है, जैसे इस साइक्लोन में देख रहे हैं कि आई है और उसके अंदर सेंटर जो मानते हैं, तो सेंटर अभी पुरी से साउथ साउथ वेस्ट करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है और जो आउटर बैंड होते हैं वो उड़ीसा के ऊपर में काफी हिस्सा में पहुंच चुके हैं, जिनसे ऑलरेडी पिछले 5 से 6 घंटे की अगर हम बात करें तो बीच बीच में तेज बरसात हो रही है और हवा भी तेज चल रही है। अगर हम हवाओं की गति की बात करें तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ हवाओं की गति अभी करीब 175 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चल रही है और जहां तक सेंटर की बात है तो अभी भी 6:30 बजे की अगर पोजिशन की बात करें तो करीब 70 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में उसका केंद्र स्थित था और जैसे जैसे ये आउटर बैंड कोस्ट में जाता है तो हम जब साइक्लोन का इसको प्रोसेस ऑफ लैंडफॉल बोलते हैं तो इस सारे प्रोसेस में अगर स्लो मूविंग सिस्टम होता तो कई बार 3 घंटे के आसपास का समय 2 से 3 घंटे लगता है, कई बार फास्ट मूविंग होता तो थोड़ा कम हो जाता है, तो कुल मिलाकर हम ठीक है निवृत्ति, तो यानी कि 2 घंटे का वक्त लग सकता है ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का मानना है। फिर से रुक कर लेते हैं पुरी का, सरोज मेरे साथ वहां से संवाददाता लगातार बने हुए। सरोज, अभी 2 घंटे का वक्त मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और जैसा हम आपको भी देख पा रहे हैं कि हवाएं इतनी तेज हैं कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा है। सरोज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है, इस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। गोपालपुर का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे वहां से बने हुए हैं, राधेश्याम। राधेश्याम, फिलहाल क्या स्थिति, किस तरह की और तस्वीरें, किसी तरह का बदलाव आप देख रहे हैं, चूंकि अभी 40 किलोमीटर दूर बता रहे थे हमारे संवाददाता पुरी से, यहां पर कैसे हालात है? देखिए, गोपालपुर की तो मौसम पूरा खराब है, अभी 120 से 130 किलोमीटर स्पीड में हवा चल रही है और भारी मात्रा में बारिश भी हो रही है। आप समुन्द्र की भी दृश्य दिखाना चाहूंगा कि ऊंची ऊंची लहर भी आ रही है, तो जब वो टकराएगा तब हवाई की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर तेज में रहेगा गोपालपुर में। और जहां हमें सूचना मिल रहा था कि गोपालपुर से वो 30 किलोमीटर दूरी में है तो घंटा प्रति 13 से 14 किलोमीटर स्पीड में वो लैंडफॉल होने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो देखेंगे भारी मात्रा में हालत खराब है गोपालपुर की और मौसम भी काले बादल छाए हुए हैं, मौसम पूरा खराब है। और यहाँ का तो आप स्थिति बताएंगे, गोपालपुर गंजाम जिले के जो कोस्टल एरिया है, 5 ब्लॉक आ रहा है वो कोस्टल एरिया के 128,000 लोगों को। तो ये आहट है और इसके आहट से पहले यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफी भयावह है, लेकिन जब ये दस्तक देगा तो कैसा असर होगा, लगातार इस खबर पर हमारी नजर है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रहिए जी न्यूज के साथ, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रुका है।